हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम अमर रूपानी है और आज की जो वीडियो है वो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है और आपको बहुत हेल्प करेगी केरला में जॉब लेने के लिए क्योंकि मैं इस वीडियो में जो है सबसे बेस्ट टेक्निक जो है आपसे शेयर करने जा रही हूँ कैनला में जॉब लेने की जिसे हम कोआ प्लेसमेंट कहते हैं या फिर इंटर्नशिप भी कहते हैं तो नाइनटी लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी क्योंकि जो इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर स्कूल्स होते हैं वो ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो है वो एडवर्टाइज नहीं करते तो हमें पता चलता है अपने फ्रेंड्स के थ्रू या फिर टीचर्स के थ्रू और मैं आपको 100% परसेंट एश्योरेंस देती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको केरला में अपनी खुद की फील्ड में जॉब जरूर मिलेगी और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि ये कोआ प्लेसमेंट प्रोग्राम कैसे काम करता है इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी इसकी रिक्वायरमेंट्स भी डिस्कस करूंगी और इसका जो कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी आपको दिखाऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ओके okay, तो ये वाला वो स्कूल है जो कि कोआ प्रोग्राम जो है वो हमें ऑफर करता है और यहाँ पे बाकी भी बहुत सारे प्रोग्राम्स सा ऑफर होते हैं न्यू कमर्स के लिए लेकिन क्योंकि हम कोआ प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड है तो हम यही कवर करेंगे इस वीडियो में इस पेज पर आपको चार ऑप्शंस नज़र आएंगे इस प्रोग्राम के नीचे जैसे कि इंटरनेशनली ट्रेंड प्रोफेशनल कोआप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद ये बिजनेस कोआप अकाउंटिंग तो अगर आपकी जो डिग्री है वो नीचे के तीन ऑप्शन में से नहीं है तो आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसमें कोई भी प्रोफेशनल जो है ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं जैसे कि इंजीनियर्स कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आईटी स्पेशलिस्ट और बहुत सारे प्रोफेशंस और इस प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है जो कि यहाँ पे लिस्ट में दी गई हैं वो भी बिल्कुल आसान है पूरा करना जैसे कि आप कनाडा में नए आए हैं और आपके पास अपने कंट्री का जो है वो वर्क एक्सपीरियंस भी है तो आप इस प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं लेकिन आप फर्स्ट रिक्वायरमेंट के बारे में फ़िक्र ना करें क्योंकि जब मैंने रजिस्टर किया था तो ना ही मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस था अपनी फ़ील्ड में और ना ही मैं न्यू कमर थी लेकिन फिर भी मुझे एडमिशन मिल गया था इस प्रोग्राम में नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि इंग्लिश जो है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज होनी चाहिए इसका मतलब एज एन इमिग्रेंट हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं होती तो ये वाली रिक्वायरमेंट हम लोग वैसे ही पूरी कर देते हैं तो इसके लिए हमें जो है ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि जो हमारी इंग्लिश की बोलने की जो स्किल्स हैं वो स्ट्रांग है तो उसके लिए हमें असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा और सी एल बी लेवल सिक्स लाना पड़ेगा और ये बहुत ही आसान होता है टेस्ट और ये स्कूल खुद हमें हेल्प करेगा इस टेस्ट को स्केजल करवाने में लेकिन अगर आप कैनीडियन सिटीज़न हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से किया है तो आपको ये टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सबसे लास्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपके कंप्यूटर यूज़ करने के स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए और अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इस फॉर्म को फिलआउट करना ये बहुत ही आसान है इसे भरना ये सिर्फ़ एक ही पेज का है इसे भर के आपको इसे भेजना है इस ई एड्रेस पर और ये मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये जो कुआ प्लेसमेंट पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्या चाहिए और इस प्रोग्राम में जो है सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेते हैं हर बैच में तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें खुद को क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर ही काम करता है और नेक्स्ट बैच के लिए जो है एप्लीकेशन इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं तो बस जल्दी से आप अपनी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें और अपने आप को रजिस्टर करें इस प्रोग्राम में जैसे कि मैंने कहा ये हर बैच में लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते हैं और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है प्रोग्राम की वो है इक्कीस हफ़्ते जिसमें से आप सात हफ्ते जो है क्लास के अंदर कुछ कोर्सेज सीखेंगे बाकी के जो चौदह हफ़्ते हैं वो आप आ, अपना खॉब करेंगे किसी कंपनी में तो पहले सात हफ्तों में आपको ये दो कोर्सेज सिखाते हैं पहला इंग्लिश और दूसरा नेविगेटिंग द वर्क प्लेस ये दो कोर्सेज़ करने से आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे जैसे कि अपनी रज़में बनाना कम्युनिकेशन स्किल्स टीम वर्क और सबसे बड़ी बात कि आप कनाडा का जो वर्क प्लेस कल्चर है वो भी सीख जाएंगे जो कि आगे जाके आपको बहुत काम आएगा जब आपका को आप प्लेसमेंट होगा किसी कंपनी में या फिर आप फ्यूचर में अपने प्रोफेशन में काम करेंगे किसी भी कनाडा की कंपनी में इन दोनों कोर्सेस को पास करने के लिए आपको कुछ असाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी और जैसे ही सात हफ़्तों में आपके ये कोर्सेज़ पास हो जाते हैं तो जो नेक्स्ट पोर्शन है इस प्रोग्राम का वो है आपका कोआ आप प्लेसमेंट किसी भी कंपनी में आपकी खुद की फील्ड में जो कि आपने सेलेक्ट की है और वो होगा फोर्टीन वीक्स तक लेकिन वो अनपेड होगा और इस स्कूल की जो है दो लोकेशंस हैं जहाँ पे हम शुरू के सात हफ्तों की जो है वो क्लासेस अटेंड करते हैं और कोविड की वजह से जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही होगी हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद आपको किनेडियन वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा जिसकी वजह से आपकी रज जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और आपको अपनी फील्ड में जॉब आसानी से मिलेगी या फिर हो सकता है जिस कंपनी में आपका ख्वाब लगा है वही आपको हायर कर दे तो आज के लिए बस इतना ही और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगी जॉब लेने में और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें मैं कोशिश करूंगी उन सबका जल्द से जल्द जवाब दूं और अगर आपको आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे थम्स अप दे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऐसा ही कॉन्टेंट बनाने वाली हूँ फ्यूचर में तब तक टेक केयर अनाजी वकीन